सो हे गाइस, दिस इज आयुष एंड यू आर वाचिंग आयुवर्स। मार्स पर हमने बहुत सुना है मेरे ख्याल से, आपने इसको न्यूज़ में देखा होगा, आर्टिकल्स में देखा होगा, हर जगह देखा होगा, लेकिन ये है क्या? तो नासा ने मार्स पे एक रोवर भेजा है, उसका नाम है परसिवियरेंस रोवर। ये जो कॉम्प्लिकेटेड सी स्पेलिंग है परसिवियरेंस, ये एक 14 साल के बच्चे ने दी है, लिटरली 14 साल के बच्चे ने दी है। बच्चा नहीं कहना अंकल, वो भी 28,000 एंट्रीज में से 14 साल के बच्चे की सिलेक्ट हुई, उसका नाम था एलेक्स मैथर। अब ये जो मार्स रोवर है, इसमें एक और ख़ास बात है, और वो ख़ास बात क्या है, इस बार पहली बार हेलीकॉप्टर यूज़ हुआ है। पहले हमने कभी हेलीकॉप्टर यूज़ नहीं किया आउटर स्पेस में, इस बार किया है। उसका नाम है इंजेन्यूटी, और ये भी किसी हाई स्कूलर ने नाम दिया है, देख सकते हो। और ये जो रोवर था मार्स पर परसिवरेंस, ये सबसे कॉम्प्लेक्स चीज़ थी जो अब तक स्पेस में भेजी गई है। व्हाट इज योर नेम? माय नेम? यस, योर नेम। माय नेम ना ओवुवुवुवु एनयेटुएनवुवु उगबेमुगबेम ओसास। यानी हम इससे आगे नहीं पहुंचे हैं अभी तक। ये हमारी हाईएस्ट कॉम्प्लेक्स थिंग थी जो हमने स्पेस पे भेजी। इसका काम क्या है? सिंपल काम है इसका, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स ढूंढना। लेकिन सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा कि उतरा कहाँ पर। तो ये उतरा था जिजेरो क्रेटर में, जहाँ पर मैक्सिमम चांसेस है कि वहाँ की बायोलॉजी में पता लगे। क्यों? वहाँ पर एक एशियंट लेक है, बहुत पुरानी लेक है, काफ़ी ज़्यादा पुरानी लेक है, और अब एग्जिस्ट नहीं करती, सूख चुकी है। तो ऑब्वियसली वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, क्योंकि हमें लगता है कि वहाँ पर पानी होगा। और ये जो मार्स पर परसिवरेंस है, ये 687 डेज के लिए मार्स पर रहेगा। इसकी लैंडिंग हो चुकी है 18 फरवरी 2021 इसी साल। और इसके अंदर कुछ एडवांस चीज़ें हैं जो मैं बताने वाला हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट। इसके पास शेरलॉक है। What? शेरलॉक होम्स वाला शेरलॉक नहीं, शेरलॉक स्कैनिंग हैबिटेबल एनवायरनमेंट्स विद रमन एंड ल्यूमिनेसेंस फॉर ऑर्गेनिक्स एंड केमिकल्स। और इसके पास वॉटसन भी है। वॉटसन भी कुछ ऐसा ही है, वाइड एंगल टोपोग्राफिक सेंसर फॉर ऑपरेशन एंड इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट। और आपको ये जानने का भी अच्छा लगेगा कि एक हमारे पुराने क्यूरियोसिटी रोवर का भाई है। यस, उसका भाई है ये। इसका काम है कि मार्स की जो मिट्टी है उसे कैप्सूल्स में कन्वर्ट करना, हीट करके कैप्सूल्स में नहीं कन्वर्ट करना, जस्ट कैप्सूल में स्टोर करना है उसको एक कंटेनर से। वो कंटेनर भी उसके साथ है और वो मार्स पे छोड़ देगा। हम उन कैप्सूल्स को उठाएंगे 2026 में और फिर उसे यहाँ पर अर्थ पे लेकर आएंगे और उस पर रिसर्च करेंगे कि क्या चीज़ थी, क्योंकि हम ऐसे नहीं पता लगा सकते। तो ये जो मार्स मिशंस थे, सबसे पहला था पाथफाइंडर, उसके बाद था फीनिक्स, फिर क्यूरियोसिटी, उसके बाद परसिवरेंस। यानी कि परसिवरेंस जो है वो सबसे ज़्यादा छोटे एरिया को कवर करने वाला मार्स मिशन है अभी तक का। इसमें 19 कैमराज हैं, जैसे कि मैंने बताया ड्रिल बिट मैकेनिज्म था इसमें। और ये 77,500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्पेस में ट्रेवल करेगा, यानी कि बुलेट शॉट के 15 टाइम्स फास्टर। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज। जैसे वो मार्स एटमॉस्फेयर में जाएगा, इसकी जो स्पीड है वो 20,900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक पहुंच जाएगी, जो कि तब भी काफ़ी ज़्यादा है, राइट। उसके बाद जो इसकी लैंडिंग स्पीड होगी वो होगी 2.7 किलोमीटर पर आवर, 2.7 किलोमीटर पर आवर। और इतना बड़ा डिफरेंस, 1000 से सीधा कुछ 1 या 2 किलोमीटर पर आवर तक लेके जाना, तो ये डिसेंट होगा ये ऑब्वियसली खतरनाक सा ही है। रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का, क्योंकि उनकी पूरी मेहनत इसी डिसेंट पे बेस्ड होगी। क्योंकि 7 मिनट्स ऑफ टेरर यहाँ पर बोला गया है, 7 मिनट्स लगेंगे मार्स को लैंडिंग में, और ऊपर से रिले होगा 14 मिनट्स का अप डाउन, जिससे वो सिग्नल्स धरती पे भेजेगा और बताएगा कि मैं पहुंच गया। तो ये मैंने मार्स परसिवरेंस को बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट और बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व कर दिया हुआ है। बिल्कुल मैंने छोटी छोटी बातें बताई हैं और बिल्कुल माइन्यूट रखा है इसको, ताकि आपको जल्दी से जल्दी 5 मिनट के अंदर अंदर ये सारा पता लग जाए। तो बस फिलहाल की वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और देखते रहे यूवर्स। एंड एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Skycam maneuver has started. About 20 meters off the surface. We're getting signals from MRO.
Tango Delta. Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars, ready to begin seeking the sands of past life.